कल तो रोमन रेंस सेथ रॉलिंस सिजारो स्टोरी लाइन बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, देखते हैं। कल तो हे गाइस, वेलकम टू द माय चैनल, माय नेम इज पंकज। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल के होने वाले स्मैकडाउन के बारे में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही अच्छी खासी हमें स्मैकडाउन देखने को मिल सकती है, क्योंकि स्टोरी लाइन ही कुछ ऐसी है। तो सोना लेट स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वेल तो जैसा कि हम बात करें कि रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस एंड सिजारो इनके बीच में कैसी स्टोरी लाइन चल रही है, तो इसके बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। तो जैसा कि हमें स्मैकडाउन की शुरुआत होते हुए दिखाई दे सकती है, वो हो सकता है सेथ रॉलिंस से हो सकता है, या फिर सिजारो से हो सकता है, या फिर रोमन रेंस से हो सकता है। तो यहां पे हमें इन तीनों बंदों में से मतलब किसी के साथ हमें स्मैकडाउन की शुरुआत होते हुए दिखाई दे सकती है, और यहां पे मे भी हमें ऐसा देखने को मिल सकता है कि यहां पे आके हो सकता है सेथ रॉलिंस अटैक कर दे सिजारो के ऊपर, या फिर हमें रोमन रेंस का अटैक देखने को मिले, या फिर मतलब हमें यहां पे ब्रॉल टाइप का देखने को मिलेगा शुरुआती सेगमेंट में। एंड इसके बाद मे भी हो सकता है कि एडम पियर्स आके कोई फैसला ले, मतलब कोई अपना मतलब फैसला सुनाए जिसमें कहें कि वो सेथ रॉलिंस वर्सेस सिजारो का मैच होगा, या फिर इनका मैच हो सकता है, या फिर कैसा भी रखा दे और है कि ये अगर जो मैच जीतेगा वो यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए लड़ेगा। या फिर मे भी हो सकता है कि यहाँ पे हमें एज या फिर डैनियल बैन या फिर मतलब किसी सुपरस्टार का रिटर्न भी देखने को मिले, तो मे भी हो सकता है वो भी आके मतलब यहाँ पे चैलेंज करने की कोशिश करे, तो हमें ऐसी कुछ थिंग देखने को मिल सकती है, या फिर रोमन रेंस का हमें कोई नया चैलेंजर देखने को मिल सकता है। तो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि इन थिंग्स में से होता क्या है। वेल अगर रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस की स्टोरी लाइन चलने वाली है तो हमें यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है जहाँ पे सेथ रॉलिंस और सिजारो का हमें मैच देखने को मिले, एंड जो कि हमें स्मैकडाउन के मेन इवेंट में, और वैसा मैच हो और वहां पे जीतने के बाद तो मे भी हो सकता है रोमन रेंस को सेथ रॉलिंस चैलेंज करें, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि रोमन रेंस आके अटैक कर दे दोनों ही के ऊपर। एंड इसके बाद तो हमें जो कि रेसलमेनिया बैकलैश पेपर व्यू में हमें हो सकता है कि ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिले यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस सिजारो के बीच में, जो कि स्पेकुलेशन लगाए जा रहे हैं बहुत सारे यूट्यूबर्स की तरफ से। आई थिंक मुझे भी लगता है कि वैसा हो सकता है, तो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा क्या ऐसा होता है या फिर नहीं होता है। तो वेल आपके क्या ओपिनियन है इस सेगमेंट के ऊपर और इस थिंग के ऊपर, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तो चलते हैं नेक्स्ट वन थिंग की तरफ। तो वेल नेक्स्ट वन थिंग की तरफ चले तो वेल नेक्स्ट वन थिंग जो कि निकल के आती है बियांका बेलेयर की तरफ से। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बियांका बेलेयर जो कि इस टाइम पे स्मैकडाउन वुमेंस चैंपियन बन चुकी हैं, साशा बैंक्स को उन्होंने हरा दिया है एक चोटी मारकर, बहुत ही अच्छे खासे तरीके से पीठ पर निशान दे दिया है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच था। मेन इवेंट किया उन्होंने रेसलमेनिया 37 के नाइट वन का, और यहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा हमें पिछली बार सेलिब्रेशन देखने को मिला पिछले हफ्ते, एंड इस बार अब बात आ गई है चैलेंजर की। तो रोना धोना बंद करो बियांका बेलेयर, तो अब यहाँ पे आपको चैलेंजर चाहिए। तो यहाँ पे मे भी मेरे लिए, मैं मतलब मेरे लिए नहीं हूँ, उनके साथ साथ मतलब बियांका बेलेयर के लिए, उनके लिए एक अच्छा चैलेंजर हमें देखने को मिल सकता है, वो हो सकती है बेली या फिर वो हो सकती है साशा बैंक्स। फिर से मे भी हमें इन दोनों में से कोई मे भी चैलेंज करते हुए दिखाई दे जाए, या फिर कोई अलग रिटर्निंग सुपरस्टार हो, मे भी इयो शिराई, बट इतना होप हाई नहीं करते क्योंकि मे भी WWE झटका भी दे सकती है। तो मतलब इतने ये तो यही तीन सुपरस्टार से मैं होप रखता हूँ कि चैलेंज कर सकते, या फिर कोई नया सुपरस्टार हमें देखने को मिले तो वो भी इंटरेस्टिंग रहेगा, एंड किसी सुपरस्टार अच्छे सुपरस्टार को पुश मिलेगा तो वो भी अच्छा रहेगा। तो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि बियांका बेलेयर को चैलेंज कौन करता है, तो देखते हैं आखिरकार चैलेंज करता कौन है। तो वेल ये कुछ हमें अच्छे खासे सेगमेंट देखने को मिलने वाले हैं, और कुछ अच्छे खासे सेगमेंट हमें डोमिनिक मिस्टीरियो एंड डॉल्फ ज़िगलर की तरफ से भी देखने को मिल सकते हैं, एंड उनकी टीम की तरफ से हमें देखने को मिल सकते हैं, तो वो भी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। तो वेल ओवरऑल कल की हमें जो कि स्मैकडाउन बहुत ही अच्छी खासी देखने को मिल सकती है, तो आपके क्या ओपिनियन है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो यार लाइक डिसलाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना है कर सकते हो, एंड सो फिन मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। I played it innocent.